यूनियन बैंक का जो एटीएम फॉर्म है उसको आप किस प्रकार से भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे और कितने दिनों के बाद आपको एटीएम मिल जाता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने का पावरफुल मुझे एनर्जी भी वहीं से मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेबिट कार्ड का जो फॉर्म है वो आप किस प्रकार से भरेंगे, तो आपको यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले ऊपर में ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। एंड आपको यहां पर डेट ऑफ अप्लीकेशन, किस डेट को ये फॉर्म आप सबमिट करने के लिए बैंक में जा रहे हैं वो डेट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। नीचे आएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में जिस तरह से स्पेलिंग नाम है वो नाम आप यहां पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड के अनुसार है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। अपने पिताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए नेम डिजायर्ड ऑन डेबिट कार्ड, यानी जो भी आपको एटीएम मिलेगा उस एटीएम के ऊपर जो भी आपका नाम प्रिंट आउट रहेगा वो क्या नाम होना चाहिए वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे सही तरीके से, साफ साफ, ठीक है। एड्रेस में आप यहाँ पर लिख देंगे विलेज, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, ईमेल आईडी भर देंगे, जो भी आपका होगा। एंड नीचे आएंगे तो डिटेल्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे जो आपके खाते पर मिलेगा, जो मैं नहीं भरा है, मिस्टेक से छूट गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए आई वुड लाइक टू रिसीव माई कार्ड एंड पिन मेलर एट, प्लीज़ टिक ऑन ऑन ऑप्शन, मतलब आप जो एटीएम कार्ड मंगवाएंगे वो आपके आवासीय पते पे आना चाहिए या ऑफिस के एड्रेस पे आना चाहिए। तो मुझे अपने घर के एड्रेस पे लेना है तो इस पर मैं टिक करूँगा। अगर आप ऑफिस में रहते हैं, जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे नॉमिनी डिटेल में, जो भी जिनको भी आप नॉमिनी अपने अकाउंट में बनवाएँ उनका नाम भरेंगे, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ब्रदर है तो मैंने ब्रदर लिख दिया, जो भी आपका रिलेशन होगा वो लिख देंगे, मदर फादर जो भी है। उसके बाद अगर नॉमिनी जो है माइनर है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का नॉमिनी है, तो उसका आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है, और उनके जो गार्जियन है उनका नाम लिखेंगे। अगर नॉमिनी माइनर नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर का है, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे साइड की बात करते हैं तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म डेबिट कार्ड अंडरटेकिंग है, इसमें आपको फिर से वही डेट मेंशन करना है जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, पहले इसका नाम भरेंगे। एंड आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो भी सेकेंड एप्लीकेंट हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे, फिर भी आपको भरने में कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल जवाब होगा वो आप हमें इंस्टाग्राम पर आसानी से पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, इस पेज का क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको एटीएम लेने में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो एक बार आप ज़रूर रीड कर लीजिए, उसके बाद एटीएम कितने दिनों के बाद मिलता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद वहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एटीएम फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।